अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग शो। और ये है आपका होस्ट वजाहत ज़हीर। जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल यही वजाहत ज़हीर। और कुछ भी यही होता है जब आप जो है ना, क्या कहते हैं, 40-50 दिनों के बाद जब कैमरा दोबारा उठाते हैं और आपसे बोला नहीं जा रहा होता, तो फिर यही कुछ होता है बेटा। देख लो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको मेरी एक और वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट, जी जी बिल्कुल, मैं वजाहत ज़हीर, मी माई सेल्फ वजाहत ज़हीर इज़ होस्टिंग यू टुडे। और ये मैं पिछले कोई आधा घंटा हो गया मैं लगा हूँ इसी तरह। और कोई मतलब के 50-60 तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 10-15 एक जो है क्लिप्स पहले मैं इस तरह के स्टार्ट के रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, और बस अब यहीं से स्टार्ट होगी भाई ये क्लिप। हाँ, बस यहीं से स्टार्ट होगी। इससे पहले कि आप लोग मुझे ये सवाल करें कि भाई कहाँ हो, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रह रहे हैं आप, माशाल्लाह यूट्यूब पर आप बहुत एहसान करते हैं, आप महीने दो बाद एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन यार बस क्या करें, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, कोई कुछ नहीं था, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सुस्ती हो गई थी। बंदा सुस्ती का तो वैसे ही मैं मारा बहुत ज़्यादा, और बस कुछ कोई काम नहीं होता था, कोई कुछ भी नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना जल्दी उठा जाए, और सच्ची बात बताऊँ तो जल्दी उठने के चक्करों में जो है वो ये वीडियो भी बन गई, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है। और मुझे इस बात का एहसास भी होगा कि जल्दी उठने से अगर वीडियो बन रही है तो भाई क्यों नहीं, कंटेंट बनाने के लिए मैं तरस रहा हूँ, और जल्दी उठूँ तो कंटेंट मिलता है तो क्यों नहीं, ज़रूर। ये सब तो हो गई बातें स्टार्ट की, बाकी अब आप वीडियो देखें। और वीडियो में सबसे मज़े की बात यह है कि था भी संडे, और संडे को मेरे ख्याल से लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इतना एंजॉय किया किसी भी संडे को लाइफ में। एक प्लान्ड संडे था, सीधी सी बात है, आप अभी देख लीजिएगा, एक प्लान्ड संडे था, और वो प्लानिंग जिस तरह चली है ना यार, मज़ा ही आ गया कसम से। आप मुलाहिज़ा फरमाइए, 6 और 7 बजे का प्लान ये है, घंटे बाद का प्लान ये है कि हलवा पूरी का नाश्ता करने जाना है विद एज़ यूजुअल हनान भाई, तो आपसे अब घंटे बाद मुलाकात होती है। 7:15 से भी ऊपर का टाइम हो गया, और अगर आपस की बात बताऊँ आप लोगों को, तो इस बंदे को मैं उठाने आया था 6:50 पे, उसको मैं दोबारा उठाने आया था, मतलब कि मैंने कहा यार भाई उठ जा, जाना है तो जल्दी कर ले, 6:50 और अभी 7:20 होने वाले हैं। उफ, मैं कह रहा हूँ ना ये सबसे मुश्किल काम है, इंतज़ार करना सबसे मुश्किल काम है जो कि हम कर रहे हैं। क्या करें यार, अब इनके बगैर अब पूरी का मज़ा भी तो नहीं आएगा, पूरी पूरी नहीं होगी ना। तो भाई लड़को नान भाई आखिर में हमारे साथ है, नान भी हाथ ला दे, काफ़ी अर्से बाद आ पाए। मैं आपको तो काफ़ी अर्से बाद आए, 40 से ऊपर दिन हो गए यार मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। गलत फहमियों का शिकार नहीं मैं बिल्कुल। अभी आप पता क्या करेंगे बाबा जी, ये पता क्या करेंगे, अभी हम खाता देखेंगे, हम खाते हैं आप देखें, आप देखें नहीं है। पैसे दे रहे हैं पर देने मैंने थे यार वैसे ही, क्या वो भाई हमने खा तो लिया, मुफ्ते का खा लिया बाबा, मुफ्ते का खा लिया। तो अभी का कुछ ऐसा सीन है कि भाई हलवा पूरी खा रहे हैं, सारा कुछ सीन वीन हो गया है, नान भाई के साथ वाला काम ठप हो गया, अब अगला काम जो था वो क्या था, मुस्तफ़ा भाई लोगों ने आना है, अब मुस्तफ़ा आएगा और अंजला ने भी आना है, नुमान ने भी आना है, तो जब वो आएंगे तो फिर आपसे अब गप शप होता है। टून आ चुकी है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इधर देखो, ओ इधर
हाँ तो ला दें, हम काफ़ी अरसे बाद आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक आप सुनाए। कैमरा खुलता जाता है, इनकी शराफत देखो बहस की, तो इनसे जैसे तो बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब भाई आप कैसे हैं? आइए तो अभी मौलवी बन जाएंगे। फाइनल हो गया कि भाई क्या करेंगे हम? टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉक कर 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 डांस सीख रहे हैं। वजह वजह आंख मार और लड़की की आंख मार। भाई ये सारा यहाँ पे ये ग्रुप इस तरह चिल मार रहा है और कुछ बातें चल रही हैं, तो अभी एक फैसला हो रहा है कि मतलब कि एक गेम खेली जाएगी और उससे गेम खेलने के बाद गेस किया जाएगा कि हम चारों में से मतलब V4 हम चारों में से शादी किसकी। तो हम ये बात इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड मैं बताता हूँ इनको, हम ये बात इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ये ऑफिशियल आ जाए, ताकि बाद में कोई मुकर ना सके, क्योंकि हमारे में से एक बंदा है, हमें उसका शक पड़ रहा है कि उसकी सबसे पहली होगी। इसलिए अभी फाइनल कर लेते हैं, ऑफिशियल वे फाइनल करेंगे। अभी ये खाना का सिस्टम चलने लगा है, लेकिन खाने के सिस्टम से हमने पहले सोचा कि एक फैसला हो ही जाए कि हमारे दोस्तों से सबसे पहले ब्याह किसका होगा, इनका होगा, इन भाई का होगा या इन भाई का होगा या इनका होगा। क्या कह रहे हो? साडा नौ ही होवे सारे। हाँ हाँ ये पहला ब्याह तुम्हारा हो गया, इसका मतलब हम चारों में से। चलो भाई उठा ली थी अपने, वो उठा ली थी पहले, जो उठा ली है भाई वही है। चलो मुझे दिखाओ यार मेरी। चलो दूसरे नंबर पे सही है यार, दूसरे नंबर पे जाए मतलब कि 4-5-6 साल बाद अभी हंसला। ओ मुस्तफा, मतलब के जिन पे ज्यादा शक था वो आखिर में रह गए हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। तीसरे हाँ रिजल्ट बता दो भाई, मीठा खाते खाते कुछ मीठा सुना दो आज। तुम सुना दो यार, तुम्हें तो शर्म नहीं आती। भविष्यवाणी हमने जो किया भविष्यवाणी, चल सुना भविष्यवाणी। झूठ है, किसी की शादी नहीं होगी। तू रखवा मरेगा। हम क्या करें, शादी नहीं करोगी? मैं शादी क्यों नहीं करूंगी, मैं शादी तो करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगी तेरी शादी। क्या बात हुई, मैं शादी करूंगा। मैं कह दे रही तेरी शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी तो कर ली। बाकी एक और बात आप लोगों से ये कहनी थी कि हम लोग मैं हम लोग अपने ग्रुप का नाम सोच रहे थे, जैसे कि आपको पता है तो चार अभी तक चार बंदे हैं हमारे ग्रुप में, मतलब मुझे मिला के 5, अंजला भाई, नुमान, मुस्तफ़ा, मैं और पांचवा एज यूजुअल हनान। तो इस ग्रुप का आप नाम सजेस्ट करें, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा क्या नाम होना चाहिए, इसलिए कोई थोड़ी बहुत हिंट्स मिल जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई कि इस छोटे से हंसी मजाक के ग्रुप को क्या नाम देना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आएगी, इंशाल्लाह आती रहेंगी ऐसे ही। अब ये तो झूठ बोल रहे हो एजाज जही, अब तो तुम्हारी बात पे यकीन करना बनता ही नहीं है ना, छोड़ो तो बस। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।